गाइस स्वागत है एक और नए व्लॉग में। बड़ी शॉकिंग सी न्यूज़ के साथ मेरा दिन स्टार्ट हुआ कि सिलेंडर बुक करा रहा था घर के लिए, तो देखा 1130 रुपए का सिलेंडर हो गया। तो महंगाई ने तो कमर तोड़ रखी है। कसम से मन कर रहा है कि पुराने तरीके सही से जहाँ लक्कड़ दिखे पेड़ दिखे काटो खाना खा लो। एनवायरनमेंट ख़राब हो रहा है ठीक है, बट ये तो मारने वाली बात ही होगी। अब भाई गवर्नमेंट करो कुछ, ये तो बहुत ज़्यादा वो हो रहा है, क्या हो रहा है, बहुत ख़राब हो रहा है। और इसी बात के पीछे कूड़ा देख लो, यहाँ पर ना कहीं चूहा मरा पड़ा और बहुत गंदी स्मेल आ रही है। ओहो क्या हालत हुई बढ़िया बेचारे की, तो उसकी वजह से स्मेल जो है काफ़ी अच्छा है, क्लियर नहीं हो रहा, ब्लरी ठीक है। गुजरात का मैच आईपीएल में, पता नहीं क्यों गुजरात मेरी फेवरेट होती जा रही है, खेल ही बहुत बढ़िया रहे हैं भाई। तो देखते हैं आज शुभमन गिल क्या करता है, मुझे लग रहा है आज भी अच्छा खेलेगा वो। ब्राइट सनी ब्राइट डे है, धूप बहुत ज़्यादा तेज़ हो गई है आजकल, खड़ा भी नहीं जाता इतनी तेज़ धूप हो रही है। बट ब्राइट डे है, सनी डे है, शूटिंग के लिए, काम के लिए, प्रोडक्टिव बनाने के लिए अच्छा टाइम है। पर अनफॉर्चुनेटली यहाँ पर मेरी हेल्प करने के लिए कोई है नहीं और मैं किसी हेल्प मांगता भी नहीं हूँ यहाँ पर। बट ये ठीक है, घर पे जाके कुछ करेंगे, कुछ नया बनाएंगे, शॉर्ट्स आपके लिए आती रहती हैं, आज भी एक डाल लिया। बाकी पूजा के चैनल को भी सपोर्ट करो, उसने भी अपना नया चैनल स्टार्ट किया, काफ़ी अच्छी अच्छी फैशन वीडियोस आती हैं वहाँ पे। और आप बताओ कैसे हो आप लोग। नई एकेडमी यहाँ पे 3D गेमिंग की, मैक ऊपर के फ्लोर पर चलेंगे, किस दिन देखना है, एनिमेशन सिखाते हैं लोग। मुझे लगता है बहुत ज़्यादा क्रिएटिविटी का काम है, और अगर आप में नेचुरली क्रिएटिविटी नहीं है तो ये प्रोफेशन आपके लिए नहीं है। बाकी पता नहीं, ये जस्ट एक बड़ी बेसिक सी नॉलेज है लास्ट ईयर के मामले। आज इतना कुछ है देखने को, मैच आ रहा है ऑब्वियसली गुजरात का, ग्लोबल स्पोर्ट्स जो कि एक वेलोरेंट की इंटरनेशनल टीम है उसका मैच आ रहा है, मावी जो कि BGM में खेलता है वो स्क्रीम्स खेल रहा है, बहुत सारी चीज़ें देखने को, समझ नहीं आ रहा क्या देखना और क्या छोड़ना, ऊपर से काम तो करना ही है। सो डिफिकल्ट डे, बहुत ज़्यादा कंटेंट है आज क्योंकि एक शाम एज अ किड ये वेदर बहुत अच्छा लगता था बचपन में, क्योंकि एक्स्ट्रा टाइम मिलता है खेलने के लिए, आप 7:30-8 o'clock तक खेल सकते हो, दिन ही रहता है। और यू नो 5 बजे निकल जा रहा, पाँच से आठ, 3-3.5 घंटे आपको मस्त खेलने को मिलते हैं। बहुत क्रिकेट खेला मैंने अपने टाइम पे, जो मेरा क्रिकेट वाला ग्राउंड है साथ वाला, मैं निकल जाता था वहाँ पे और क्रिकेट खेलते रहना। हाँ तब लगता था बड़े होके लाइफ अच्छी होगी, बड़े होके लगता कि तब लाइफ मस्त थी, बस खेल लो, खाओ पियो, सो जाओ। पढ़ाई का प्रेशर होता था, वो भी किया नहीं किया। ये देखो बच्चे खूब मस्ती कर रहे हैं, फुटबॉल चल रही है खास तौर पर, यही मस्ती की मैं बात कर रहा था, मस्त फुटबॉल चल रही है। क्रिकेट का भी सेटअप लगा हुआ है, देखो विकेट्स, फुटबॉल और क्रिकेट का मस्त माहौल बना हुआ है, लगता है थक गए हैं क्रिकेट खेल के जो बैठे हैं सारे, बोल रहे हैं सारे फुटबॉल खेलते हैं, यही फ़न की मैं बात कर रहा था, जो बहुत मज़ा आता है ऐसे। फ़िलहाल ज़्यादा गर्मी नहीं है तो ये वेदर अच्छा है, ज़्यादा गर्मी होगी तो प्यास बहुत लगती है, तो एज ऑफ नाउ ये बहुत सही वेदर है खेलने के लिए बच्चों के। और हमें भी जब छुट्टी होती है मौका मिलता हम खेलते हैं, तो मैं राहुल को कॉल भी किया था कि उठ जा, बट वो उठा नहीं, या उसने मुझे उठाया नहीं एक्चुअली, वरना मैं भी सुबह बैडमिंटन खेलने जाता दोबारा। चलो अभी देख के ही खुश होते हैं, खेलते तो है नहीं अब हम। क्यों है 10:30, मैं और मम्मा जा रहे सब्जी लेने, मंडी लगी हुई है आज हमारी सुपर मार्केट, इस टाइम पे इसी टाइम आके खाना खुना खाया, इसी टाइम आपको पता टाइम मिलता है, सोचा जाके ले आए, चलो वही मिलता है। एक्सपेक्टेड वी आर लेट, सब बंद हो रहा है, पर कुछ ना कुछ तो ढूंढ ही लेंगे, देखते हैं। एक्सपेक्टेड था पर काफ़ी सारी सब्जी मिल ही गई, फ्रूट्स में मिल गए, और एक बड़ा सही हैक पता लगा इस टाइम पे, सबको सब्जी बेच के घर जाने की जल्दी होती है, तो प्राइजेस बड़े सही मिल जाते हैं, तो अगर आपको सब्जी सस्ती खानी हो तो ये हैक है, क्लोजिंग टाइम पे जाओ और वो अपना सामान ख़त्म करने के जल्दी में, ऑब्वियसली उन्होंने बचा के क्या करना है, ऐसी चीज़ है जो ख़राब होने वाली है ना, तो वो भी चाहते हैं कि उनकी क्लियरेंस हो जाए और आपको फ़ायदा हो जाता है अगर आपके घर के पास है, जैसे कि हमारे। बस हम एक और चीज़ लाए हैं, अंदर जाके दिखाता हूँ, रुक जा। लेने गए हम लेके आए का आइसक्रीम, दिखाओ आपके हैंड में का है, पीछे दिखाओ आपके हैंड में का है, दिखाओ बेबी।
थोड़ा खराब है, पर आपको आइसक्रीम देख के कैसा लग रहा है? नो पूतू, ऐसा लग रहा है खाते खाते सुबह होगी, इतनी देर से खा रही है। पीजी पीजी आपके मुंह में क्या लगा? क्या लगा आपके मुंह पे? देखो कैसे आइसक्रीम खाती है। चलो कल मिलते हैं, बच्चों की फेवरेट होती है आइसक्रीम। 24 hours later. तो गाइस स्वागत है एक और नए दिन, एक और नए वीलॉग में। खबर ऐसी है कि रिया चक्रवर्ती को रोडीज का मेंटी बना दिया गया, मेंटर बना दिया गया। तो अब क्या ही वो अपने मेंटीज को सिखाएगी, ये तो चलो शो देख के पता चलेगा। पर मतलब MTV हो गया, कलर्स हो गया, क्या लोगों की इमेज साफ करने के लिए रखे हैं? पिछला बिग बॉस ऐसा था कि जैसे साजिद की इमेज साफ करने के लिए बिग बॉस बनाया, और अब ये रिया चक्रवर्ती को रोडीज में मेंटर बना दिया। अरे भाई लिटरली मैं कुछ नहीं बोलूँगा, मैं क्लिप लगाता हूँ, देखना और देख लो कैसी लग रही है, नो कमेंट्स। थेरेपी के लिए कुछ भी, किसी को भी ले आएंगे, कुछ भी करेंगे। सुशांत वाला केस अभी तक दिल में है, चाहे कुछ प्रूव ना हुआ हो, बट जो पता चला था तो सबको पता ही है, अब उस पर मैं क्या ही बोलूँ। पर सीरियसली रिया चक्रवर्ती पोचा मार लो उसकी इमेज पे भी, कर लो उसकी इमेज साफ। एक ऐसा शो है जो मेरे टीनेज में क्रेज़ होता था, मतलब टीवी सीरियल से हट के कुछ आया था और डाई हार्ड फैन थे इसके। चलो फिर उन्होंने रघु राजीव को चेंज किया, हजम हो गया, अब रणविजय को भी निकाल दिया, अब शो में बचा क्या मुझे नहीं पता। गौतम गुलाटी आया और साथ में रिया चक्रवर्ती, मतलब गौतम गुलाटी को सोचना चाहिए था उसको किसके साथ ला रहे हैं। ओ माय गॉड क्या ही बोलूँ, आप बताओ कमेंट्स में आपका क्या रिएक्शन है। किसी की भाई किसी का जान का ट्रेलर भी आ रहा है, मैंने सोचा रात को जाके पूजा और प्रशा के साथ देखेंगे और रिएक्शन रिकॉर्ड करेंगे। हाँ बड़ा बोरिंग सा दिन है, मंडे बोरिंग, संडे एंजॉय करने के बाद आज सबकी एनर्जी डाउन होती है और बोरिंग होता है। बस वही बोरिंग दिन चल रहा है, स्लो एंड बोरिंग चल रहा है भाई। एयर इंडिया में एक दिल्ली से लंदन की फ़्लाइट में एयर होस्टेस के साथ मारपीट, वाह भाई वाह। क्या हो गया आजकल एयरप्लेन में, इतने हादसे क्यों हो रहे हैं? इतनी ख़राब सर्विस होगी एयरप्लेन वालों की? मैंने बताया था रात को वॉशरूम जाना और भी डिफ़िकल्ट है, ये देखो इतना अंधेरा होता है रात को। एकदम सुनसान सन्नाटा, एक लाइट भी नहीं, जो हुआ फ़ोन की लाइट है बस। खतरनाक वॉशरूम है। जी कहाँ कर लो, मुंह भी लिपड़ा हुआ है आपका। अच्छा हेलो बोल दो सबको, हेलो वाओ जी पाएंगे जी, लोती खा लो जाओ। तो गाइस आज हम दोनों देखने वाले हैं किसी का भाई किसी का जान का ट्रेलर, और उस पर थोड़ा सा छोटा सा हम रिएक्ट भी करेंगे, देखते हैं कैसा। वैसे बहुत लोगों ने देख लिया होगा अब तक तो ट्रेलर, पर चलो हम भी देखते हैं, आप लोग भी हमारे साथ देखो, देखते हैं कैसा आया नया ट्रेलर। धर्मक्षेत्र कुरुक्षेत्र संवेत्ता युद्ध नाम का पांडव संजय किम कुरुव संजय। वैसे आपका नाम क्या है? मेरा कोई नाम नहीं, लेकिन मैं भाईजान नाम से जाना चाहता हूँ। मेरा कोई नाम भाई, लेकिन मैं भाईजान नाम से जाना चाहता हूँ। उमर नाम में उमर ऐड कर दिया। ये प्रिशा हमें ट्रेलर नहीं देखने दे, ये कुछ भी चला रही है बीच में। प्रिशा देखने दो, प्रिशा जाओ टॉयलेट, क्या वहां से टॉयलेट आना है। लुक तो अच्छी है, थैंक गॉड, मुझे ऐसा लगा है ना इसकी डिफरेंट लुक आना दे दो। डायलॉग तो अच्छे हैं, ह्यूमर अच्छा है। भाईजान ये तो वो लड़का नहीं है अलादीन वाला? हाँ सीरियल वाला। कोई जान देता है, कोई जान देता है। ट्रेलर तो नहीं लग रहा ना, पावर। कोई जान देता है, कोई जान।
ये तो बॉक्सर है, नेशनल चैंपियन अपना। इसका नाम क्या है? विजय। इसका नाम नहीं जाना है। ये हेट। इसका नाम है वी से ही है। विजय। हाँ वी से है। नाम बोल दिया। ब्रेंडर। तुमने सवाल लिया? हाँ वो। हाँ साउथ वाला। अब हस्ती है। सना भी है। जस्टी गिल। इसका क्या नाम? सना। जस्टी गिल। और राघव। मुझे याद आता है। मुझको अपना सरनेम दिया है गुंडा मैनिनी, और मैनिनी से पहले आता है गुंडा। अपना सरनेम दिया गुंडा। लग रहा है काफी टाइम बाद एक अच्छी मूवी आने वाली है। जबरदस्त एक्शन होने वाला है। वांटेड जैसी फील आ रही है इससे। नाम पता नहीं कैसा पर ट्रेलर तो अच्छा। इंसानियत में बढ़ाता हूँ वंदे। वन लाइनर भी अच्छे हैं। आई एम रेडी। मतलब उनका रोल भी हो जनरली इसकी मूवी में बाकी किसी का रोल होता नहीं है, खुद ही प्रोड्यूस किया है। हाँ फराद सामजी। हम भी रेडी हैं देखने के लिए सीरियसली। Bring it on, bring it on। चलो इसी के साथ आज का व्लॉग यहीं पे ख़त्म करते हैं। आई होप आपको रिएक्शन अच्छा लगा होगा, जैसा प्रेशु ने करने दिया हमने कर लिया, पर ओवरऑल ट्रेलर अच्छा है, कुछ जाके देख लो, मज़ा आया ट्रेलर देख के। आज के लिए बाय, टाटा सी यू, मिलेंगे कल एक और नए दिन एक और नए व्लॉग के साथ। बाय, गुड नाइट।